अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा, छठा, सातवां और आठवां पार्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको आप तक पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पांचवें पार्ट से आगाज करते हैं। जब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा साइन 0 और नीचे भी आ जाएगा साइन 0, तो ये बन गए 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमें इसकी लिमिट मयसर नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर जब हमें साइन नजर आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म बना दें। साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ये शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब इसके लिए ये देखिए, ये साइन ऑफ ए एक्स है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे ए एक्स होना चाहिए। तो ए एक्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा, न्यूमिरेटर में ए एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रहेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमिरेटर बाय ए एक्स और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय बी एक्स। तो देखिए ये स्टेप, ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ए एक्स, ए एक्स के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी एक्स, बी एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, सेम वही फंक्शन दोबारा वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा फायदा है, हमारा फायदा क्या है कि ये x तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा a नीचे बचा b, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट पर तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होता, तो इसलिए a ओवर b को मैंने बाहर निकाल लिया। और x जो है ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर मैं अलहदा लिमिट अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर मैं अलहदा लिमिट अप्लाई करूंगा, दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ए एक्स ओवर ए एक्स, ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी, नीचे मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। जो मेरा दूसरा लेक्चर था लिमिट्स, थ्योरम ऑफ लिमिट्स, उसमें हमने ये कहा था कि अगर एक फंक्शन ऊपर हो और एक नीचे तो दोनों के ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई की जा सकती है। अब यहां पे देखिए जरा, जब हम ये कहते हैं एज एक्स अप्रोचेस टू 0, अगर एक्स 0 को अप्रोच करता है तो इधर ए के साथ जरब दूंगा ए इंटू एक्स, तो ए इंटू 0, तो ए एक्स किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा,
और बी एक्स भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये आ गया ए ओवर बी साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये किसके बराबर आएगा, वन के इक्वल। साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये किसके बराबर आएगा, वन के इक्वल। और आपका आंसर निकलाया ए ओवर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ चुका हुआ है। अब जो है हम इसका करते हैं छठा पार्ट। छठा पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर टेंजेंट एक्स। यहां पे भी जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पे जीरो आ गया, टेंजेंट जीरो जीरो के बराबर होता है, तो फिर बटे में जीरो आ गया। बटे में जीरो तो हमें अच्छा ही नहीं लगता ना, क्योंकि आंसर अनडिफाइंड आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहां पे एक्स इक्वल जीरो पर इसकी वैल्यू नहीं मिली। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे स्टेप करेंगे कि बटे में जीरो ना आए। एक्स ये टेंजेंट एक्स है, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, कोटेंजेंट एक्स। आप लोग माशाल्लाह आई एम 100% श्योर कि ट्रिग्नोमेट्री के माहिर होंगे, क्योंकि कोटेंजेंट एक्स किसके बराबर होता है, वन ओवर टेंजेंट एक्स। और जो माहिर नहीं, जिनको नहीं पता, उनके लिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया है जी, ठीक। आप कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, हम कॉस एक्स बटा साइन एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। अब देखिए जरा, यहां पे साइन एक्स नजर आ गया। अब इसके नीचे अगर एक्स हो तो एक्स तो पहले ही जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जगह पे तो भाई हम वन लिख सकते हैं। तो फिर क्या करें, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टेप मुझे कहां करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के अंदर। तो फिर क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन डिनोमिनेटर बाई एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में सिर्फ आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए जरा, तवज्जो कीजिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये आ गया जी डिनोमिनेटर में साइन एक्स है। डिनोमिनेटर में एक्स के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखें ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ कट गया, फिनिश खलास। आपके पास कॉस ऑफ एक्स बच गया, इस पर अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, साइन एक्स ओवर एक्स इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस ऑफ एक्स, इस पर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी, और नीचे वाले के ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, इस पर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब कॉस ऊपर आ गया कॉस ऑफ जीरो, और ये किसके बराबर होता है, पूरे का पूरा पैकेज, ये पूरे का पूरा पैकेज किसके बराबर होगा, वन के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, वन। तो कॉस जीरो वन ओवर वन, योर आंसर इज वन। तो ये था छठा पार्ट। अब हम इसका सातवां पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। इसमें जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो वन मनफी कॉस ऑफ जीरो ओवर जीरो का स्क्वायर, कॉस जीरो चूंकि वन होता है, वन माइनस वन योर आंसर इज जीरो। तो ऊपर भी जीरो आ गया, नीचे भी जीरो आ गया, तो हमें यहां से डायरेक्ट लिमिट एक मरतबा फिर नहीं मिली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब कॉस टू एक्स के
तीन फार्मूले होते हैं, कॉस 2x के तीन फार्मूले हैं, एक है कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, एक है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। कॉस 2x के ये तीन फार्मूले हैं, फर्स्ट ईयर में आपने 10th चैप्टर में ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो नोट कर लें, कॉस 2x के तीन फार्मूले होते हैं। ये वाला जो है इसका जो इस्तेमाल का पता चल जाता है। कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब हमें कॉस ऑफ 2x की जगह पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है या ये वाला इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक जो है ये इंटीग्रेशन के अंदर भी लगेगा, लिमिट्स के अंदर भी लगेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस के ऊपर भी ये ट्रिक लगेगा। वो ट्रिक क्या है कि अगर यहां पे 1 और कॉस के दरमियान माइनस हो तो हमेशा साइन वाला फार्मूला लगेगा, अगर प्लस हो तो कॉस वाला फार्मूला लगेगा। इस बात को अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें, अगर माइनस होगा तो साइन वाला फार्मूला, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x होगा तो कॉस स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। तो इसलिए फिर मैं इनमें से किस फार्मूले का इंतखाब करूंगा, इस फार्मूले का इंतखाब करूंगा क्योंकि माइनस है, यूजिंग कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आपका फंक्शन क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप जब इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये माइनस जो है 1 के साथ जरब खाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस क्यों होता है कभी सोचा आपने? किसी दिन मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैं साबित करूंगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे होता है ओवर एक्स स्क्वायर। ये देखें, ये 1 1 के साथ कैंसल, इट हैज बीन कैंसल्ड, द रिमेनिंग फंक्शन इज 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होती। ये साइन एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, और ये किसके बराबर होता है, ये तो 1 के बराबर होता है, यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इसकी जगह पे आ गया 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, योर आंसर इज 2। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब हम करते हैं इसका 8वां पार्ट, 8वां पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, 8वां पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब जब हम यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो फिर 0 वो 0 फॉर्म आ जाती है, कॉस ऑफ 0 साइन ऑफ 0 का स्क्वायर। ये स्टेप पेपर में करना मत भूलिएगा, एक एक नंबर की बड़ी अहमियत होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये 0 जो बटे में आता है, डिनोमिनेटर में आता है ना, तो वही बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो ये सारा जो नुकसान हमें हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स की वजह से हो रहा है, तो क्यों ना साइन स्क्वायर एक्स को खत्म कर दें। साइन स्क्वायर एक्स को अगर खत्म करना है तो फिर तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी ना, और वो फार्मूला क्या है, शाबाश,
बिल्कुल ठीक कहा आपने, साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। गुड, इसका मतलब आपको फॉर्मूले याद होना शुरू हो गए हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर इस्तेमाल आने वाला है। यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये दोनों कैंसिल कट गए। फिशूं फिशूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब जरा लिमिट पुट करो, इंशाल्लाह बटे में जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ जीरो। और कॉस जीरो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और 1 प्लस 1 1 बाई टू, तो ये आपका आंसर आ गया जी। अब आप इसका देखें जी, नौवा पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। एज यूजुअल ये लिमिट थोड़ी दूर लिखी गई है, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है, इसको थोड़ा करीब ले आओ। जब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, साइन ऑफ जीरो का स्क्वायर ओवर जीरो, अरे भाई ये तो फिर जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है तो हम इस फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। अब यहां पर स्क्वायर है तो नीचे थीटा के ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या करेंगे? यस, थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थीटा। थीटा के साथ जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये देखिए जरा, ऊपर थीटा आ जाएगा और नीचे थीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करें, इस पर अलग और इस पर अलग। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो थीटा, इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये नहीं आ सकता। ये शॉर्ट के लिए अच्छा सवाल है, लॉन्ग में नहीं आ सकता। अब थीटा की जगह पे जीरो पुट करेंगे और साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस जीरो, मुकम्मल पैकेज है ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो ये वाला पैकेज इस्तेमाल करें, इसकी जगह पे क्या आएगा? 1। तो जीरो को 1 से ज़रब देंगे, आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर ऑफ होता है, और जो अगली वीडियो है उसके अंदर मैं इसके अगले 3 पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। वो तीनों पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अगले लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।